जी हाँ, नया साल स्टार्ट हो गया है। क्या आपको पता है कि नए साल पे अब सिम के नियम बदल जाएंगे? जी हाँ, अगर आप एक नया सिम खरीदते हैं तो आपको कुछ रूल और रेगुलेशन नए फॉलो करने पड़ेंगे। वो नियम क्या है, आइए जानते हैं अगर आप एक नया सिम खरीदते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम मसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्थ टिप्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले 2023 में जब आप सिम खरीदते थे वहां पे आपको क्या करना होता था, कोई भी केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपको डॉक्यूमेंट देना होता था और आपको एक सिम मिल जाया करता था। लेकिन नए सिम कार्ड में आपको वर्चुअल केवाईसी कराने की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके आपको नया सिम 2024 में नहीं मिलेगा। एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इसके बारे में जानकारी दे दी थी और ये नियम अब आज से जनवरी 2024 में लागू हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, केवाईसी अब लागू कर दी गई है। पहले एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता था, लेकिन यहाँ पे अब ये चीज केवाईसी कर दी गई है, क्योंकि इससे फर्जी वाले पे नकेल कसेगी। सिम बेचने वालों के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। पॉइंट ऑफ जो सेल्स है POS, उनके लिए 12 महीने का वक्त दिया गया है, वो 12 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब एक बात यह भी आती है कि क्या यूजर एक से ज्यादा सिम खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, आप एक बार में 9 सिम खरीद सकते हैं। अब ये सिम जो आप खरीदेंगे वो एक आईडी पे 9 सिम खरीद पाएंगे। तो जी हाँ, अगर आप 2024 में सिम खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान रखें, आपको सिम खरीदने के लिए ये सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ केवाईसी करानी पड़ेगी, वो भी वर्चुअल, और आपको सिम मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक जरूर करें।